बठिंडा जिले में जहां लगातार लोगों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, रोज मार्च और रैलियों का दौर जारी है, वहीं आज बठिंडा आरटीआई ओवरब्रिज पर मजदूर यूनियन के साथ साथ अन्य जथेबंदियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली। साथ ही साथ जथेबंदियों द्वारा ओवरब्रिज पर जाम कर आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। प्रदर्शन के दौरान ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा यूनियन ने कहा कि जो पिछले दिन ही कोठा गुरु के हमारे साथियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से हमारे साथियों पर लाठीचार्ज की गई और उसके बाद प्रशासन ने हमारे साथियों पर झूठे मामले दर्ज कर उन्हें जेलों में धकेल दिया। इसके साथ अपनी मांगों को लेकर यूनियन ने कहा कि पहले प्रशासन द्वारा जो हमारे साथियों पर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए और प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ मीटिंग करवाई जाए। अगर प्रशासन हमारी ये दो मांगे नहीं पूरी करेगा तो हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आज जो असि इत्थे धरना लाया है, ये धरने दीआं साडीआं जो मेन मांग है, जो बीते दिनी साडे साथियां ते कोठा गुरु का विखे 5 तरीक नूं पहलां प्रशासन ने तशद्दद ढाया, अथरू गैस वाटर कैनना डांगा चलियां उत्थे, उस तों बाद जिहड़ा प्रशासन नाल समझौता भी हो गया सी, बकायदा मार्च भी होया उत्थे, उस तों बाद साडे साथियां ते 307 वर्गीआं छापेमारी की जा रही है, साडे साथी जेलां चो रिहा किए जाण, जिहड़ियां झूठियां FIR प्रशासन ने दर्ज कीतियां वो रद्द कीतियां जाण। बठिंडा से जाट टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन दीपू शर्मा के साथ कुणाल बांसल की रिपोर्ट।